आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, द क्वेश्चन इज, हमको यहां क्वेश्चन में दिया गया कि Me2CO HCN की रिएक्शन कराने पर X मिल रहा है, फिर H3O+ की रिएक्शन कराने पर Y मिल रहा है, फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर Z मिल रहा है। सो आइडेंटिफाई फाइनल प्रोडक्ट Z। सो Z जो है वो आपका क्या होगा, इज, तो वो हमको बताना है। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा Z होगा वो क्या बनेगा, ठीक है। सो Me2CO मतलब यहाँ CH3, सी डबल बॉन्ड O और इधर CH3, यहाँ HCN की रिएक्शन करानी है। सो यहाँ पर आपका H+ और CN-, सो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम और O पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा। सो ये बनाएगा CH3 और सी और इधर CH3 और यहाँ पर आपका ये CN ने अटैक किया, सो ये O पर माइनस चार्ज। सो इट विल एब्स्ट्रैक द प्रोटोन, ये H+ को एब्स्ट्रैक कर लेगा। सो इट विल फॉर्म द साइनोहाइड्रिन, तो CH3 सी और इधर CN, इधर CH3 और इधर OH, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। अब इसकी रिएक्शन हमको किससे करानी है, दिस इज X और रिएक्शन करानी है हमको क्या, H3O+ से, मतलब हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो सी ट्रिपल बॉन्ड N है, ये जो ग्रुप रहता है सी ट्रिपल बॉन्ड N, सो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। सो CH3 सी और इधर OH और ये हो जाएगा आपका COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर CH3, ठीक है। अब क्या होगा कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। सो H2SO4 मतलब H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सो ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, सो इट विल अटैक ऑन दिस प्रोटोन और प्रोटोन पर अटैक करने के बाद ये बना लेंगे क्या, CH3C और ये CH3 और इस पर आपका आ जाएगा OH2+, ठीक है, और यहाँ पर COH। सो OH2+ जो है ये आपका क्या है, वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। सो क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव था, सो इट विल ब्रेक द बॉन्ड और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में ये बाहर निकल गया। सो वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप और वाटर के रूप में ये बाहर निकल गया। सो इट विल फॉर्म द कार्बोकैटायन CH3C, इधर पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 और यहाँ पर आपका COH, ठीक है, ये लगा हुआ है। इसके बाद जो है ये क्या करेगा, सो इट रिलीज द प्रोटोन फ्रॉम वन मेथिल ग्रुप, किसी भी एक मेथिल ग्रुप से क्या करेगा, प्रोटोन को रिलीज करेगा। और प्रोटोन जैसे ही आपका रिलीज हो जाएगा -H+, सो यहाँ पर आपका बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड C और इधर COOH और ये आपका आ जाएगा CH3, ठीक है। सो ये जो है ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट Z और ये था X। इस X के बाद जो बना दिस इज Y, ठीक है, Y के बाद जो है ये आपका Z है। तो हमसे Z के बारे में पूछा है, प्रोडक्ट Z इज, सो ऐसा जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर B पर देखिए, आपका CH2 डबल बॉन्ड C CH3 COH जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।